वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम आइडियाज। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सर्किट के बारे में बताऊंगा जो ना कि सिर्फ पानी को सेव करेगा बल्कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करेगा, आपके कूलर के पंप की लाइफ को भी बढ़ाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर एक कूलर देख रहे हैं, तो इस कूलर के अंदर टॉप टैंक है, जो इसका टैंक है वो टॉप पर है, तो नीचे वाले टैंक में पानी भरा हुआ है। यहाँ पर पंप इसको ऊपर जो है वो फेंक रहा है, और ऊपर ये जो एक छोटा टैंक बना हुआ है इसमें होल्स है, और होल्स से होकर पानी जो है वो पैड पर आ रहा है। अभी इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स है। उसमें होता क्या है कि कई बार पंप उतना ज़्यादा पानी फेंकता है, जो उसका पर लीटर है कि पर लीटर मतलब पर मिनट कितना लीटर फेंक रहा है वो ज़्यादा फेंकता है, तो ये ऊपर वाला टैंक भर जाता है, ज़्यादा भर जाता है, इतना होल से निकल नहीं पाता पानी, ये ज़्यादा भर जाता है, और फिर उसके बाद में आगे जो है यहाँ पर पानी टपकने लगता है इस जगह, और फिर एयर से काफ़ी सारा पानी जो है वो बाहर की तरफ जाने लगता है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये सारा देखिए गीला हो गया। ये गीला इसी वजह से हुआ कि इसने जो है वो पानी आगे फेंकना स्टार्ट कर दिया। अब आप देखिए ये बिल्कुल एज पर आ गया है यहाँ पर पानी। अब कुछ देर बाद ये ओवरफ्लो होने लगेगा, और ओवरफ्लो होने के बाद में देखिए ये भी गीला हो गया, यहाँ से पानी बाहर जाने लगा। इससे क्या होगा, आपका पंप, आपका जो इसका मोटर है वो मोटर भी जो है वो खराब हो सकता है, कूलर के अंदर करंट आ सकता है, मोटर के अंदर पानी भर गया तो उसके अंदर करंट भी आ सकता है, खराब भी हो सकता है। तो अब मैं आपको एक ऐसा सर्किट बताऊंगा जो आपकी पंप की लाइफ को सेव करेगा, पानी को सेव करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करेगा। आप इस टाइप के कूलर में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिसमें ऐसा टैंक नहीं है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं पानी और कूलर की मतलब इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ मैं किस तरीके से हम उस सर्किट को बनाएंगे और कैसे उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सर्किट को बनाना। तो इस सर्किट को बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ ये रिले जो स्विचिंग का काम करेगी, 5 वोल्ट की रिले की ज़रूरत पड़ेगी। दो रेसिस्टर चाहिए, जिनमें से एक 220 ओम का है इंडिकेटर के लिए, और एक 1 किलो ओम का रेसिस्टर है। एक ट्रांसिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि है BC547, जो कि एक NPN ट्रांसिस्टर है। एक LED की ज़रूरत पड़ेगी इंडिकेटर के लिए, और आपको ज़रूरत पड़ेगी एक मोबाइल के ओल्ड चार्जर की, 5 वोल्ट वाला चार्जर, और कुछ पीस ऑफ वायर्स की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से सर्किट को हमें बनाना है। तो इन कंपोनेंट्स को हम थोड़ा साइड कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये रिले है, और इस रिले के 5 पॉइंट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये जो बीच वाला पॉइंट देख रहे हैं ये कॉमन पॉइंट है, और इसके सामने जो ये दो पॉइंट्स हैं ये स्विचिंग के पॉइंट्स हैं, जिनमें से एक नॉर्मल क्लोज है और एक नॉर्मल ओपन है। अब आप सोचेंगे कि नॉर्मल ओपन क्या है, नॉर्मल क्लोज क्या है, तो इनके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी दूसरी वीडियोज़ जो है वो रिले के ऊपर, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स के ऊपर है, आप उसे देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा जो वायर है, जो पिन है, किस लिए है। ठीक है, और ये वाली जो दो पिन आप देख रहे हैं, ये दोनों पिन जो हैं वो इसकी कॉइल की हैं, यानी कि यहाँ पर हम वोल्टेज देंगे तो रिले ऑन ऑफ होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रांसिस्टर ले लेता हूँ। ट्रांसिस्टर की भी देखिए 3 पिन हैं, एक कलेक्टर है जो कि आउटपुट होती है, एक बेस है जो कि सिग्नल के लिए होती है, एक एमीटर है जो कि इनपुट के लिए होती है। अगर ट्रांसिस्टर के बारे में भी आपको पता नहीं है तो आप मेरी जो पुरानी वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं, उसमें प्रॉपर आपको पता चल जाएगा टेस्टिंग कैसे करते हैं और क्या यूज़ होता है ट्रांसिस्टर का। तो कलेक्टर चूंकि आउटपुट है, तो हम सबसे पहले कलेक्टर को जो है वो जोड़ लेते हैं रिले की पिन से। तो यहाँ पर हमने रिले की जो पिन है कॉइल वाली, उससे हमने जो है वो जोड़ लिया है। ठीक, अब हमें चाहिए एक 1 किलो ओम का रेसिस्टर, जो कि ये 1 किलो ओम का रेसिस्टर है। ठीक है, ब्राउन ब्लैक रेड कलर कोड है इसका। ठीक, तो इस पिन, इस रेसिस्टर को जो है हम इसकी बेस वाली पिन से जो है वो जोड़ लेते हैं। इसकी लेग्स काफ़ी लेंथी है, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ। ठीक है, तो बेस से मैंने इसको जोड़ लिया है रेसिस्टर को। अब बची इनपुट वाली पिन, जो ट्रांसिस्टर की इनपुट वाली पिन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, चूंकि ये NPN ट्रांसिस्टर है तो हम यहाँ पर नेगेटिव इनपुट देंगे। ठीक है,
तो ये जो चार्जर है इसमें दो पिन्स आप वायर्स जो है वो आप देख रहे हैं, एक ये है ब्लैक वाला और एक ये रेड है। तो ब्लैक वाला जो है वो नेगेटिव है और रेड वाला जो है वो पॉजिटिव है। तो ये जो नेगेटिव वाला वायर है वो मैं जो है ट्रांसिस्टर से जोड़ देता हूँ। तो नेगेटिव वाला वायर ब्लैक वाला ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए एक रेड वाला पॉजिटिव बचा हुआ है, पॉजिटिव वाला वायर जो है हम यहाँ पर रिले की जो दूसरी कॉइल वाली पिन है उस पर हम जो है वो जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए कनेक्शन, यहाँ पर हमने ट्रांसिस्टर का कलेक्टर को जोड़ा है, ठीक है, रिले की इस पिन पर, कॉमन वाली अभी खाली है, अभी इसको भी यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो अडेप्टर की पॉजिटिव वाली है वो कॉइल की पिन पर जोड़ दी है, बेस पर हमने एक रेसिस्टर लगाया है और जो नेगेटिव वाली वायर है इसके एमीटर पर, ट्रांसिस्टर के एमीटर पर जोड़ दी। अभी ये वाली दोनों पिन खाली है, जिनमें से अभी हम कॉमन और ये वाली नॉर्मल क्लोज वाली जो पिन है इसको जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है, अपने कूलर के पंप को ऑन ऑफ करने के लिए, राइट। चलिए तो आगे देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वायर जोड़ेंगे सिग्नल वायर, ठीक है, और यहाँ पर एक सिग्नल वायर जोड़ेंगे, ठीक है, जो कि पानी में डालेंगे हम इसको। तो मैंने यहाँ पर ये वायर ले लिया है एक, ठीक है, तो इसको रिले को ऐसे रख लेते हैं हम, तो इसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, ओके, और दूसरा वायर जो है वो इसकी पॉजिटिव रिले की जो पॉजिटिव वाली पिन है जहाँ पर हमने अडेप्टर वाली जोड़ी है ये हम जोड़ देते हैं, ठीक। अब बचा हमारा इंडिकेटर, ठीक है, तो इंडिकेटर पे हम क्या करते हैं, एक रेसिस्टर जो है वो लगा लेते हैं। तो ये पॉजिटिव वाली पिन पर मैं रेसिस्टर लगा लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये इंडिकेटर मेरा तैयार हो गया, तो इसकी नेगेटिव वाली पिन इंडिकेटर पे डायरेक्ट जो वोल्टेज आएगा वहां पर मैं इसको रिले पर जोड़ देता हूँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सर्किट डायग्राम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर इसका सर्किट डायग्राम जो है वो देखकर आसानी से बहुत इसको बना सकते हैं। इंडिकेटर के लिए मैंने इसको यहाँ पर जोड़ दिया है डायरेक्ट, फाइन। तो अब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं अपने बोर्ड से, ये देखिए स्विचिंग स्टार्ट हो गई दोस्तों। ये जो दोनों वायर आप देख रहे हैं, जैसे ही मैं इन दोनों वायर को टच करता हूँ तो ये देखिए आवाज भी आ रही होगी आपको, ठीक है। तो अब हम रिले के पॉइंट्स जो कि हमारे उस पर लगेंगे पंप पर, उसमें भी हम दो वायर जोड़ लेते हैं। तो एक वायर जुड़ेगा दोस्तों कॉमन पर, ये कॉमन वाला वायर है, और दूसरा वायर जो है मैं नॉर्मल क्लोज पर जोड़ देता हूँ। तो होगा क्या दोस्तों, जैसे ही ये दोनों वायर पानी में टच होंगे, पानी इन पर टच होगा तो रिले इस तरीके से ऑन होगी, ऑन होने के बाद में वो पंप को क्या करेगी, ऑफ कर देगी। जैसे ही पानी फिर पंप ऑफ हो जाएगा, फिर पानी जैसे ही डाउन होगा रिले के वायर, ये वायर से पानी हटेगा तो पंप दोबारा ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपकी जो है वो बिजली की और पानी की जो सेव करे, पानी को सेव करेगा और पंप की लाइफ को भी बढ़ाएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली पंप नहीं चलेगा। तो अब मैं आपको इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसे इंस्टॉल करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए,
दूसरे ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली जो मेरी और वीडियोस हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपके माइंड में कोई डाउट या कोई नया सर्किट बनाने के लिए है, थॉट है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, मैं उस सर्किट को बनाकर आपको दिखाऊंगा। थैंक यू। तो दोस्तों, जो हमने सेंसर के दो वायर बनाए थे वो सेंसर हमने यहाँ पर क्लिप कर दिया है, लगा दिया है। जैसे ही इस टैंक के अंदर पानी भरेगा, इन दोनों वायर पर क्या होगा, पानी टकराएगा और ये सर्किट इसको सेंस करेगा, और सेंस करने के बाद में रिले क्या होगी, हमारी ऑन हो जाएगी। रिले ऑन होने से हमारा कूलर जो होगा वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने जो है इस तरीके से इसके कनेक्शन कर दिए हैं। अभी हमने क्या किया है, कूलर का एक वायर डायरेक्ट कर दिया है और दूसरा वायर जो है वो हमने यहाँ पर रिले के थ्रू दिया है। ये काम आपको कूलर पर नहीं करना है, ये एक्चुअली में आपको पंप पर करना है। कूलर के वायर तो डायरेक्ट ही रहेंगे, पंप का जो स्विच के जो वायर है, जिस पर जो आपका स्विच लगा हुआ है पंप को ऑन ऑफ करने का, वो स्विच हटा के ये दोनों वायर आपको क्या करने हैं, स्विच की जगह लगा देने हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं कूलर को। जैसे ही देखिए इन दोनों के बीच में पानी आएगा तो ये कि ऑफ हो जाएगा। अभी भरने दीजिए इसको। ये देखिए ऑफ हो गया। तो ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। फिर देखिए दोबारा से ऑन हो गया ये, और फिर जैसे ही पानी आएगा फिर ये सेंस करेगा इसको, फिर ऑफ हो जाएगा। पानी भर रहा है धीरे धीरे, जैसे उस लेवल तक पानी पहुंचेगा मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ सेंसर को। ये देखिए बंद हो गया। ये देखिए मैंने ज़्यादा नीचे कर दिया इसको, तो देखिए बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि पंप जो है वो पानी को ऊपर फ्लो करेगा, फिर उसके बाद में कुछ देर के लिए बंद हो जाएगा, फिर चलेगा, बंद हो जाएगा, तो बिजली भी कम फूकेगी, पानी भी कम खर्चा होगा और पंप की लाइफ भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूरतमंदों के साथ में इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियोस आपको मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।